अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़रनक सिदवा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। आज हम आपको दही बैंगन किस तरह बनाते हैं माई स्टाइल वो सिखाएंगे, और उसके साथ साथ हम मूंग दाल हलवा बनाना सिखाएंगे। ओके, अच्छा जी, डिलक्स जूसर है एनएक्स की तरफ से, किसी भी दो हलवों के नाम बताइएगा 8881 पे। मसाला एवरी लिखिएगा अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा, और SMS करिएगा 8881 पे। अच्छा जी, मूंग दाल हलवा, उसके लिए मैंने 200 ग्राम मूंग की दाल ली हुई थी, ये यहाँ सोक करके सिर्फ रखी है, पकाना नहीं है इसको, ठीक है। सोक करके रख दीजिएगा पानी में 2-3 घंटे, और फिर ये पानी थोड़ा सा निकाल के हम इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर देंगे, और उसके बाद हम उसको पकाएंगे। अब सबसे पहले मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं चीनी पानी का शीरा बना लेना चाह रही हूँ। चीनी है मेरे पास यहाँ, दानेदार ले लें, वट एवर यू वॉन्ट टू यूज़, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी चीनी को तो अंदर डिज़ोल्व करना है, हमने शीरा बनाना है, ठीक है। चीनी और पानी है, इसमें हम इलायची का पाउडर डालेंगे, यहाँ है मेरे पास इलायची पाउडर, साबुत इलायची भी डाल सकते हैं, ये चला गया, और इसको हम बॉयल होने देंगे। फिर हम दूध के साथ थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ज़ाफ़रान या ज़ाफ़रान एसेंस, ये यहाँ है, येलो रंग है ये, ठीक है जी। ये मैं थोड़े से दूध में ज़ाफ़रान या ज़ाफ़रान एसेंस, वॉट एवर यू वॉन्ट टू ऐड, वो डाल दीजिएगा। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये दाल को ब्लेंड कर देंगे, ठीक है, और इसको फिर हमें पकाना है। सो व्हाट वी विल डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, आई नीड माई ब्लेंडर हियर, इसको यहाँ लगा देते हैं। पानी में इसका थोड़ा सा निकाल देती हूँ, मूंग दाल है ये, मूंग दाल से हम हलवा बना रहे हैं, हलवे के रिलेटेड है, मैंने आज वो भी रखी हुई है, सवाल भी रखा हुआ है। ऊपर नीचे भी करना है हमने, पूरी दाल पिस जानी चाहिए, एक्स्ट्रा कोई पानी नहीं डालिएगा, सॉफ्ट होगी तो जल्दी से ये पिसेगी, इसलिए कि आपने इसको भिगो के रखा है, ठीक है, पकाना अभी नहीं है, पकेगा बाद में। ऊपर नीचे इसको कर लेते हैं थोड़ा सा, ओके, वी आर डन। अब मैं यहाँ हम थोड़ा सा घी डाल देते हैं, उसमें हमें इस दाल को भूनना है, ठीक है जी। बहुत सिंपल है, 220 मिलीलीटर मैंने पानी लिया था, 230 ग्राम उसमें आपने चीनी डालनी है, ठीक है, और इलायची साबुत डाल दीजिए, इलायची का मैंने पाउडर डाल दिया है, अबाउट 1/4 टीस्पून जितना मैंने डाला है। दूध है यहाँ, उसमें मैंने 1 टीस्पून जितना, या आप ज़ाफ़रान डाल दीजिए या सैफ्रॉन एसेंस डाल दीजिए। फिर 200 ग्राम मैंने दाल ली हुई थी, मूंग की दाल, पीली वाली जो दाल होती है वो, उसको 3-4 घंटे पानी में भिगो के छोड़ दिया था,
ब्लेंडर में डाल के आपने उसको ब्लेंड कर दिया, घी यहाँ गरम किया आपने, उसमें आप ये डालेंगे। थोड़ा सा और घी है जिसमें मैं बादाम, काजू और पिस्ते फ्राई करूँगी, ठीक है। चलिए 16 और 17 नवंबर का याद दिलाती चलूँ, प्रोमो भी हमारा चल रहा है, हम सब शेफ्स होस्ट सब आ रहे हैं टू लाहौर फॉर मसाला फैमिली फेस्टिवल, और एक्सपो सेंटर में है लाहौर में, ज़रूर आप लोग आइएगा और हमसे मिलिएगा, और लाइव कुकिंग होगी, पेट शो है वहाँ, बाइक शो है, कार शो है, बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरा प्ले एरिया है बच्चों के लिए, तो ज़रूर बच्चों को भी लेके आइएगा, सैटरडे संडे हमारे साथ ही गुजारिएगा। इसको हमें अच्छी तरह भूनना है, फिर इसमें हम डालेंगे जो चीनी पानी का शीरा है उसके साथ हम इसको पकाएंगे, ठीक है। मेक श्योर ये नीचे लग नहीं जाए, इसको आप इस तरह घी के साथ अच्छी तरह भूनते रहिए, ठीक है। ब्रेक की तरफ चलते हैं, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। मैं यहाँ मूंग की दाल को जो मैंने घी में थोड़ी सी भूनना शुरू की थी ना, वो मैं कंटिन्यूसली वही कर रही हूँ। अब मुझे इसमें दूध शामिल करना है, ठीक है। दूध डालेंगे और इसको फिर हम चलाएंगे, दूध जब अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा तब फिर हम इसमें चीनी पानी का शीरा डालेंगे, जिसमें मैंने ये एसी बंद करा दीजिएगा प्लीज़, ये वाला हाथ पे ना फ्लेम आ रही है। अच्छा चलिए, अब हम क्या करते हैं मीनवाइल साथ साथ यहाँ थोड़ा सा घी गरम कर लेते हैं, उसमें हम बादाम पिस्ते काजू थोड़े से फ्राई कर देंगे, एंड वी विल पुट दैट ऑन टॉप, ठीक है। ये दूध को अब्सॉर्ब पूरा होने दीजिएगा, वुडन स्पून या स्पैचुला से चलाते रहिएगा, नीचे लगे ना, ये देखें। और फिर मैं इसमें चीनी पानी और इलायची का जो शीरा है वो डाल। हैदराबाद से मिसेस सलीम है जी, हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? आवाज़ बहुत कम आ रही है जी। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप लोग सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक माशाल्लाह, बहुत अच्छी रेसिपी बना रही हैं, सर्दियों का आगाज हुआ और हजमों का आगाज हो गया जी, बिल्कुल। और आपके सवाल का जवाब दूंगी जी, अंडे का हलवा, ओके, लौकी का हलवा, ठीक है, गाजर का हलवा, गोभी का हलवा, गोभी का हलवा, गोभी का हलवा, कौन सी गोभी? फूल गोभी। अच्छा ओके, फिर मूली का हलवा। अच्छा मैंने नहीं खाया। बादाम का हलवा, मूली का हलवा इतना टेस्टी बनता है ना कि बस आपको क्या बताऊं। अच्छा सर्दियों में हमारे तो तकरीबन काफी दफा बन जाता है। अच्छा जी, और बादाम का हलवा, नारियल का हलवा, सेब का हलवा, ठीक है ठीक है, नोट कर दिया है, बहुत शुक्रिया। दाल, चने की दाल का हलवा जी, मुझे वो बहुत पसंद है जी। और कुछ कहाँ चली गई? थैंक यू सो मच। अच्छा देखें, ये इसको आपने ना दूध तो डाल दिया, उसके बाद आपने इसमें चीनी पानी और इलायची का शीरा भी डालना है।
थोड़ा थोड़ा डालते जाइएगा और उसको भूनते जाइएगा, पकाते जाइएगा। इसमें अगर आपको पीला रंग डालना है तो आप चंद कतरे डाल सकते हैं। आई विल डू दैट। और वहाँ घी काफ़ी सारा गर्म हो चुका है तो आई एम गोइंग टू थोड़ा सा बंद कर दिया है मैंने उसको, ठीक है। और अभी हम इसमें बादाम, पिस्ते, काजू वगैरह जो भी आपको डेकोरेशन के लिए चाहिए उसको आपको डालना है और फ्राई करके निकाल देना है। चीनी पानी का शीरा जितना मैंने लिखा है उतना पूरा तमाम इसमें जाएगा। ओके, ये आपको चलाते रहना है, हलवे वगैरह जब भी बनाते हैं तो ये याद रखिएगा। अफशा है कराची से जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अफशा नहीं, अर्सा नाम है। अर्सा, क्या हाल है? जी ठीक हूँ मैं, आप सुनाएं आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। अक्सा फरमाइए। जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। बड़ी अच्छा प्रोग्राम है आपका, बहुत अच्छी माशाल्लाह कुकिंग करती हैं और आजकल बड़े हलवे बना रही हैं, बड़े अच्छे अच्छे बड़े मजेदार किस्म के हलवे। थैंक यू, ट्राई करिएगा। जी जी ट्राई करते हैं, बहुत माशाल्लाह अच्छे बनते हैं। और आज का जो आपका क्वेश्चन है उसका भी मैं आपको आंसर दूंगी जी। उसके लिए मखड्डी हलवा है, नशास्ते का हलवा है, पेठे का हलवा है और गोंद का हलवा, और जो आम बनते हैं वो तो आपको पता है। पहला क्या नाम दिया आपने? बेसन का हलवा बनता है। पहला क्या कहा आपने? मखड्डी हलवा। ये क्या होता है? जो सूजी को, जी वो सूजी को भिगो के जो बनाते हैं ना, मखड्डी हलवा। अच्छा ओके ठीक है जी, वो बहुत अच्छा मजे का बनता है। ओके वेरी गुड, थैंक यू सो मच। हमारी भी रेसिपीज ट्राई करते रहिएगा इसी तरह। जी जी इंशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। थैंक यू, मुझे भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके जी, ये आपने फ्राई कर दिए नट्स, एक तरफ से हो गए हैं, दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा कलर आ जाए, स्पेशली ऑन माई काजू वो बहुत जल्दी से फिर काले से हो जाएंगे। टर्न कर दूँ मैं ताकि हर तरफ से कलर आ जाए। और यहाँ जो ये बबल हो रहा है ना, उसमें जो मैंने दूध के अंदर ज़ाफ़रान या सैफ़रान वाटर डाला था या आपने एसेंस डाला हो वट एवर, वो भी डाल दीजिएगा याद से। ये देखें, दिस इज़ रेडी। थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि ये साइड्स छोड़ दे। कुछ लोगों को हलवे चम्मच से खाना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को स्क्वायर्स में काट के खाना अच्छा लगता है। इसको मैं किसी चीज़ में निकाल दूँ ताकि ये और नट्स जलते ना रहें घी में, ठीक है। और आप देखते हैं कि वैसे मैं घी तेल बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ खाने बनाती हूँ तब, लेकिन जब मैं हलवे वगैरह बनाती हूँ तब मैं हमेशा देसी घी का इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है जी। वैसे एक ज़माने में तो देयर वाज नो ऑयल एंड ऑल दीज प्रोसेस थिंग्स, तो घी ही होता था, मक्खन और घी, और घी में तला हुआ या मक्खन में बना हुआ अंडा बेस्ट रहता था ना। ये देखें, चाहें तो आप नट्स अंदर डालें चाहें ऊपर डालें, वट एवर। बस ये चलाते रहना है। उसके बाद हम दही बैंगन की रेसिपी पे आ जाएंगे। जो मैंने यहाँ 3 से 4 बड़े बैंगन लिए थे लंबे वाले, उनको स्लाइसेस में काट के पानी में डाल के भिगो के रख दीजिएगा सॉल्टेड वाटर में, ताकि वो काले ना पड़ जाएँ। फिर पानी निकाल के इनको हमें तल लेना है। तलेंगे फिर प्लेटर पर रखेंगे, उसके ऊपर ये सारे मसाले डालेंगे और दही के साथ मिक्स करके देखिएगा, ठीक है। बनाइएगा। कभी कभार सालन खाने का दिल नहीं करे येट, वेजिटेबल्स खानी हो तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये देखें, ये कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए। इसमें मैंने 220 मिलीलीटर पानी लिया था, फिर 230 ग्राम मैंने इसमें चीनी डाली थी और इलायची टीस्पून डाला हुआ था, फिर थोड़ा सा दूध में ज़ाफ़रान या सैफ़रान एसेंस मिक्स करके रख दीजिएगा, फिर आप 200 ग्राम जो मूंग की दाल भिगो के छोड़ दिया है आपने उसको आप पीस लीजिएगा, उसी के पानी में या थोड़ा सा पानी डालिएगा या बिल्कुल पानी नहीं डालिएगा,
आप उसको पहले भून भी सकते हैं इफ़ यू वांट घी में. फिर मैंने घी में इसको काफ़ी अच्छी तरह भूना, चीनी पानी और इलायची का शीरा डाला, दूध मैंने शामिल किया, 220 मिलीलीटर दूध होना चाहिए. हलवा कब पता चलता है कि हो गया है, जब ये साइड्स छोड़ता है और इस तरह बबल करता है, तब प्लीज़ इसको छोड़िएगा नहीं, चलाते रहिएगा वरना नीचे लग जाएगा, बेशक नॉनस्टिक क्यों नहीं पैन हो. ठीक है, ये देखें बबल भी हो रहा है और साइड्स भी छोड़ रहा है. बस जस्ट अनदर मिनट और इसका मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ. फिर ये नट्स मैंने घी में फ्राई कर दिए थे, बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ते, जो भी आपको चाहिए. बस ये है. 16 और 17 नवंबर को प्लीज़ आइएगा एक्सपो सेंटर लाहौर, 4:30 बजे कोई मेरा टाइम है दोनों दिन का, तो आइएगा, मिलिएगा. अंदर भी हॉल में एक्टिविटी होगी, सारे शेफ्स होंगे, होस्ट होंगे, और बाहर भी मैं कुकिंग करूँगी, मज़ेदार सी चटपटी सी चीज़ें बनाऊँगी मैं. तो ज़रूर आइएगा, देखिएगा, कुकिंग का इवेंट भी और अंदर की एक्टिविटी भी. और ऐसे करते हैं फिर ब्रेक की तरफ भी चलते हैं, सो दैट वी क्लीन अप. इसको हम डिश में निकाल देंगे, इसके ऊपर हम नट्स डाल देंगे गार्निश के लिए, और उसके बाद हम दही बैंगन की रेसिपी की तरफ आएंगे. आपने अगर जीतना है एनएक्स की तरफ से रिलैक्स जूसर, तो जल्दी से आप मुझे बताएंगे 2-3 हलवों के नाम. मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा. NIC कार्ड नंबर का मतलब ID कार्ड नंबर, ठीक है. और आप 8881 पे SMS कर दीजिएगा. बस स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज. जी वेलकम बैक. मैंने ये जो तल लिए थे ना, क्या कहते हैं, बादाम, पिस्ते और काजू, उसको घी में से निकाल दीजिएगा प्लीज़. और उसको ये देखें, हलवा मैंने यहाँ डिश में रख दिया है. ओके, यू डोंट नीड टू ग्रीस योर डिश, काफ़ी इसमें घी ऑलरेडी है. फिर बस आपका क्या काम है, आपने ऊपर से ये सारा कुछ डाल दिया एंड एन्जॉय. ठीक है, जिस तरह भी आपको काटना है, अगर इस तरह काटें, अगर ऐसे ही रखना है ऐसे रख दीजिए. आप अगर काटना चाहते हैं इसको, पतले पीसेस करना चाहते हैं फॉर एनी हलवा, तो फिर आप फ्लैट डिश लीजिएगा, थाल लीजिएगा, प्लेट लीजिएगा, ग्रीस करिएगा तेल या घी से या मक्खन से, फिर वो रखिएगा, और जो चम्मच से आप उसको स्प्रेड करें उस पर भी थोड़ा सा घी लगाएंगे तो वो चिपकेगा नहीं, और स्प्रेड कर दीजिएगा, फिर आप उसके कतले बना सकते हैं. ओके, सो नाउ व्हाट डू आई एम गोइंग टू डू, ये दही बैंगन के लिए मुझे ये बैंगन फ्राई करने हैं, और साथ साथ मुझे दूसरे पैन में, आप सोचेंगे मैं क्या करूँगी, सो आई एम गोइंग टू डू द मसाला इसका. सो थोड़ा सा तेल, ये नहीं हुआ है तेल, हमें बैंगन फ्राई कर देने हैं. बड़े लंबे वाले बैंगन ले लीजिएगा, यहाँ तो बहुत बीज वाले मिलते हैं, बाहर के रहने वाले लोगों को सीडलेस बैंगन भी मिलते हैं, वो फ्राइंग बहुत बेहतरीन रहते हैं. अच्छा, मैं प्याज डालूंगी चॉप किया हुआ, अदरक लहसुन जाएगा इसमें, कड़ी पत्ता है, छोटी वाली गोल लाल मिर्चें हैं, फिर साबुत ज़ीरा है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, ज़ीरा पाउडर, हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर ये नहीं है, ये केन पेपर है, आप चाहें तो लाल मिर्चें डालें, केन डालें, नमक है. ठीक है जी, ये सब कुछ जाएगा, ये सारी चीज़ें जाएंगी. फिर आप इसको दही के साथ फ्राई करके आप रख दीजिएगा बैंगनों को, उसके ऊपर दही और मसाला. वेरी सिंपल और मज़ेदार, समथिंग नाइस एंड लाइट. ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा आप हर चीज़ का भुरता बनाएं या हर चीज़ का आप वो बनाएं, सालन बनाएं, कभी अलग अलग तरीक़ों से भी बनाया करें. और सब्ज़ियाँ खाएं, आपने देखा कितनी सारी सब्ज़ियाँ मैंने इस हफ़्ते आप लोगों को सिखाई भी हैं. सो डेफिनेटली ट्राई आउट ऑल द रेसिपीज़ एट होम. चलो इसमें से पानी अच्छी तरह निकाल दीजिएगा वरना ये उड़ेगा. फ्राई करके हम इसी में निकाल देंगे. यहाँ जो प्याज है उसको भी हल्का गोल्डन हमें करना है, सो नो हरी, इसको होने दीजिए. तब तक मैं मूंग दाल हलवा रिकैप कर दूं कि मैंने मूंग दाल हलवा 200 ग्राम मैंने मूंग की दाल ली थी, 4-5 घंटे मैंने सुबह से ही भिगो के छोड़ दिया था, पकाइएगा नहीं, बॉयल नहीं करिएगा उस वक्त, ठीक है, सिर्फ पीस लीजिएगा, फिर उसको बहुत थोड़े से पानी में, ब्लेंडर में, और फिर आपने क्या करना है, घी में उसको खूब अच्छी तरह भून लीजिएगा, फिर उसमें आप दूध डालिएगा, चीनी पानी का शीरा जिसमें मैंने इलायची पाउडर डाला था, ज़ाफ़रान दूध में मिक्स करके डाल दीजिएगा या ज़ाफ़रान एसेंस डाल दीजिएगा, और फिर बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ते, जो भी हो उसके साथ आप उसको सजा दीजिएगा. ठीक है जी, पेशावर से आमना है जी. हेलो, वालेकुम. हेलो,
हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसी है माय स्वीट ज़रनक, स्वीट एंड मीठी मीठी. अच्छा जी. मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, थैंक यू. मैं आपको नहीं इसी तरह बुलाऊंगी मैम. मुझे पता है क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छी लगती है और इतनी अच्छी चीजें बनाती है ना आप. मीठी मीठी यकीन माने कि मैं कहती हूँ ये तो है ही मीठी. अच्छा, ऐसे जी. लाहौर आ रही है कि नहीं पेशावर से हमें मिलने? बता के बहुत मीठी हो गई हो, बहुत स्वीट हो गई हो. मेरी बात सुने ना, लाहौर आ रही है कि पेशावर से हमें मिलने? पेशावर पता नहीं कब आएंगे. बहुत दिल करता है दूसरे शहर भी हम जाएं. आप लोग जल्दी आए पेशावर. अच्छा, मैं सवाल के जवाब दे दूं आपको. जी जी. अंडों का हलवा, पिशासे का हलवा, माश की दाल का हलवा, चने की दाल का हलवा, आलू का हलवा, लौकी का हलवा, पेठा का तो होता ना वो बड़े वाला उसका हलवा, और गाजर का हलवा, सूजी का हलवा. ओके, ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया, नोट कर दिया है जवाब. बहुत बनाती चीजें, खुश रहे, आबाद रहे, अल्लाह कामयाबियां दे मसाले चैनल को भी और आपको भी. बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. जी जी, आपने इतने सारे हलवों के नाम बता दिए. देखते हैं कौन जीतता है जी आज. यू हैव टू जस्ट डीप फ्राई दीज ब्रिंजॉल्स, ठीक है? नमक के पानी में छोड़ दीजिएगा ताकि काले ना पड़े, और फिर उसको फ्राई कर दीजिएगा. साथ साथ हम यहाँ मसाला भी इसका बना रहे हैं, जिसमें अब मैं अदरक लहसुन डालूंगी. वंस प्याज थोड़ा ब्राउन हो जाए, फिर अभी ज़रा वेट करें. जो भी फ़ोन करता है मैं उसको बस यही कहती हूँ कि एक्सपो पे आ रहे हैं कि नहीं. आई नो पेशावर से तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन इट वुड बी नाइस कि अगर हम दूसरे शहर भी आ सकें किसी दिन, बिकॉज मैं कभी पेशावर नहीं गई. आई एम नॉट बीन टू पेशावर, क्वेटा, ये सारे शहरों में भी हमें जाना चाहिए ना. इस्लामाबाद, लाहौर तो ये होता रहता है, कराची में. बस हमें ये फ्राई करना है. अगर ब्रेक लेनी हो तो ले लीजिएगा प्लीज़. क्या ख्याल है जी? हेलो हेलो, कोई सुन नहीं रहा मेरी बात आज. मैं कह रही हूँ ब्रेक ले लें प्लीज़. ठीक है जी, ब्रेक की तरफ चलते हैं. जब तक प्याज यहाँ ब्राउन हो रही है इसको बंद कर देंगे, फिर वो काली हो जाएगी. और ये जो बैंगन हम तल रहे हैं, जब हो जाएंगे तो इनको हम निकाल देंगे छन्नी में. स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज. जी वेलकम बैक. तेल निथार दिया था हमने, यहाँ हमने फ्राई करके बैंगन रख दिए हैं. ठीक है जी, अब यहाँ जो है तेल में हमने जो ब्राउन की थी हल्की सी, सॉफ्ट करके इस तरह सॉटे कर दी थी प्याज, उसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे. सारे मसाले इसमें जाएंगे, जिसमें है लाल मिर्चों का पाउडर या केन. मैंने तो केन पेपर यूज़ किया है. केन का बस कलर अच्छा होता है, बहुत तेज़ नहीं होती है. फिर हल्दी, फिर गरम मसाला पाउडर है, फिर धनिया पाउडर है, फिर ज़ीरा पाउडर है, और आप इसमें नमक शामिल करेंगे. मसालों को अदरक लहसुन प्याज के साथ अच्छी तरह भून लीजिएगा. और फिर ये जो बैंगन है ना, इनको हम दोबारा इसमें डाल देंगे. आप चाहें तो आप हाफ़ फ्राई कर दीजिएगा, बैंगन इसमें हो जाएंगे. अच्छा, यहाँ जो है एक फ्राइंग पैन में इसी का तेल मैंने ले लिया था, जिसमें मैंने बैंगन फ्राई किए थे, उसमें मैं तड़का कर दूंगी, जो है ज़ीरा, कड़ी पत्ता और लाल मिर्चें छोटी गोल वाली. सारे बैंगन इसमें चले जाएंगे. मसाले में अच्छी तरह कोट कर दीजिएगा. मीनवाइल तेल यहाँ गरम हो जाए तो उसमें आपने डालना है कड़ी पत्ता धो के, साबुत ज़ीरा और छोटी गोल वाली मिर्चें. ठीक है, एवरीथिंग इज़ डन. ये जो बैंगन है इनको हम निकालेंगे पहले फ्लैट एक प्लेटर पे,
दही थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा दही लीजिएगा। ठीक है, मसालों में कोट किए हुए फ्राई किए हुए बैंगन हैं, ये पहले हम प्लेटर पे रखेंगे। उसके ऊपर हम दही शामिल करेंगे और फिर ये तड़का डालेंगे और ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया, मैं सोच रही हूँ हरा धनिया में थोड़ा सा इसके अंदर भी डाल दूँ। बस ठीक है जी, ये हो गए आपके दही बैंगन की मज़ेदार सी डिश। मैं इसको किसी चीज़ से निकालूँ। आई होप ये रेसिपीज़ आपको अच्छी लगेंगी। बेकिंग वगैरह तो आप मेरी फॉलो करते ही हैं, डिज़र्ट्स भी फॉलो करते हैं, ये भी चीज़ें फॉलो करिएगा ज़रूर। ये हो गया, नाउ दही को थोड़ा सा फेंट लीजिएगा या हंग कर्ड इस्तेमाल करिएगा जो थोड़ा गाढ़ा हो। और ये दही को आपने ऊपर से ऐसे करके स्प्रेड कर दिया। और ये जो तड़का है वो पूरा आप ऊपर से डालेंगे, जिसमें है थोड़ा सा तेल या घी ले लीजिएगा, इसमें साबुत ज़ीरा है और छोटी गोल वाली मिर्चें हैं और कड़ी पत्ता है। बस ठीक है जी, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसको ठंडा करके पेश करिएगा, टर्न्स आउट रियली नाइस एंड अच्छा, समथिंग रिफ्रेशिंग एंड डिफरेंट फ्रॉम फूड डायरीज। चलिए यहाँ रख देते हैं इसको और इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ भी चलते हैं। हम तो क्लीनअप करेंगे आपके लिए, अभी भी वक्त है। अगर आपको जीतना है एनएक्स की तरफ से ये डिलक्स जूसर तो जल्दी से 888-1 पे बताइए 3-4 हलवों के रेसिपीज़ के नाम। मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। एक कॉलर वेट कर रही है जी, कौन है? आमना है लाहौर से जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सारे कॉलर्स को मैं कह चुकी हूँ कि आप मिलने आएंगी, आपको भी कहती हूँ मिलने आएंगी ना हमसे लाहौर। जरूर, मेरा तो प्रोग्राम है, मैं आऊंगी आपसे मिलने। जरूर आइएगा, इंशाल्लाह जरूर आऊंगी। थैंक यू जी। और जर्नीक, आपने ये बहुत अच्छा दाल मूंग का हलवा बनाया है, ट्राई करूंगी जी जरूर। और आपको आंसर भी देना चाहूंगी जी, ये एलोवेरा का हलवा बनता है, अंडों का हलवा बनता है, प्याज का हलवा बनता है और गाजर का हलवा है और बादाम का हलवा है जी और काजू का हलवा है। थैंक यू, नोट कर दिया है जवाब। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह मैं मिलूंगी आपसे। जरूर आइएगा, एक्सपो सेंटर लाहौर, 16-17 नवंबर, सैटरडे संडे। ठीक है जी, चलिए इसी के साथ ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। दही बैंगन, अज्जा, लंबे बैंगन 500 ग्राम, चॉप्ड प्याज एक अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट एक खाने का चम्मच, कड़ी पत्ते चंद अदद, नमक एक चाय का चम्मच, जीरा एक चाय का चम्मच, साबित कश्मीरी लाल मिर्चें चंद अदद, पिसे कश्मीरी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, पिसा जीरा एक चाय का चम्मच, पिसा धनिया एक चाय का चम्मच, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चम्मच, पानी निकले दही आधा कप, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब, बैंगन को नमक मिले पानी में भिगो दें, फिर तेल गर्म करके बैंगन को आधा फ्राई कर लें। उसके बाद दूसरे पैन में थोड़ा तेल गरम करके चॉप्ड प्याज फ्राई करें, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और बाकी तमाम पिसे मसाले डालें, साथ ही थोड़ा पानी शामिल करके पकाएं।
अब इसमें बैंगन शामिल करें, जब वो पक जाएं तो डिश में निकाल लें। उसके बाद तेल गर्म करके ज़ीरा, साबित कश्मीरी लाल मिर्च और कड़ी पत्ते फ्राई करें। फिर इन्हें पानी निकली दही में मिलाकर दही बैंगन के ऊपर डाल दें। आखिर में कड़ी पत्ते से गार्निश करके सर्व करें। मूंग दाल हलवा। अज्जा, पानी 220 मिलीलीटर, चीनी 230 ग्राम, इलायची 2/3 चाय का चम्मच, नीम गर्म दूध 2 खाने के चमचे, ज़ाफ़रान 1/8 चाय का चम्मच, मूंग की दाल 200 ग्राम, घी 1 खाने का चम्मच, बादाम 2 खाने के चमचे, काजू 2 खाने के चमचे, घी 100 ग्राम, दूध 220 मिलीलीटर। तरकीब। पैन में पानी उबाल लें, फिर इसमें चीनी और इलायची डालकर पकाएं। नीम गर्म दूध में ज़ाफ़रान मिलाकर रख दें। उसके बाद पैन में धुली मूंग की दाल डालकर धीमी आंच पर भूनें कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब इसे ब्लेंडर में पीस कर पाउडर बना लें। फिर 1 खाने का चम्मच घी गर्म करके बादाम और काजू फ्राई कर लें। उसके बाद दूसरे पैन में घी गर्म करके पिसी दाल पकाएं, फिर इसमें दूध शामिल करके मिक्स करें और चम्मच चलाते रहें। अब इसमें ज़ाफ़रान वाला दूध डालकर मिक्स करें। जब दाल सारा दूध जज्ब कर लें तो शुगर सिरप डालकर मिक्स कर लें। साथ ही फ्राई बादाम और काजू शामिल करके उबाल लें। फिर धीमी आँच पर 3 से 5 मिनट पकाएं और क्रश बादाम से गार्निश करके सर्व करें। वेलकम बैक। ये मूंग दाल हलवा रेडी है और दही बैंगन जो हमने बनाए थे वो भी ज़रूर रेसिपीज ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। रात में 10:30 से 11:30 हमारा शो रिपीट होता है, उस वक्त देख लीजिएगा, कुछ भी अभी मिस आउट हो जाए तो। ठीक है जी, और विनर हमारे, हाँ मैंने फ़ोन रख दिया था, आई जस्ट गॉट द विनर का नाम। अच्छा जी, कौन जीता है? मिन्हा लाहौर से जीती हैं और दही सब्ज़ी मिक्स बन रही है और कोफ्ता आलू तड़का पे रिदा बनाएंगी हमारे बाद जो लाइव शो होगा। ठीक है जी, देखिएगा सारे शोज़ हमारे सारे शेफ्स के, देखते रहिएगा। अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त, विद द प्रॉमिस के लाहौर वाले हमें मिलने 16-17 को ज़रूर आएंगे एक्सपो सेंटर। ठीक है जी, और याद रहे कि जाते जाते मैं हमेशा कहती हूँ कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।